Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो में हम कर्मचारियों या फिर कर्मकारों के जो जो सामाजिक सुरक्षा का पहलू है उस पहलू से संदर्भित विधियों का अध्ययन करते हैं और इसी संदर्भ में जो आज का व्याख्यान है इस व्याख्यान का शीर्षक है सेवा निवृत्ति लाभ और उसका प्रवर्तन नियोजन के पश्चात नियोजन की समाप्ति के पश्चात जब जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्त होने के बाद उसके जो आय का स्रोत है वह बंद हो जाता है समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसे कोई ऐसा लाभ जिसे सेवानिवृत्ति लाभ माना जाता है न दिया जाए और वह अपने आप को जो उत्पन्न हो रही आर्थिक असुरक्षा है उससे लड़ने में सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध एक आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि से, सेवा सेवानिवृत्ति का जो लाभ है इसकी भी संकल्पना उसी दर्शन पर आधारित है जो सामाजिक सुरक्षा का दर्शन है सामाजिक सुरक्षा का दर्शन हम जैसा जानते हैं कि यह कर्मचारियों का या फिर किसी नियोजन में काम करने वाले श्रमिकों कर्मकारों को उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है ऐसे में जब एक कर्मचारी अपने नियोजन के अंत के दौरान अपने नियोजन की समाप्ति के दौरान अगर उसके पास कोई आर्थिक साधन ना हो कोई आर्थिक स्रोत ना हो और और वह ऐसी स्थिति से गुजरता है जहाँ पर उसे आर्थिक दबाव देखना पड़ता है तो यह सर्वदा ही उपयुक्त नहीं माना जाएगा ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति की संकल्पना का उदय होता है जिसके माध्यम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक लाभ देने का प्रयास किया जाता है जिससे वह अपने एक एक उच्च जीवन स्तर को बनाए रखें और उनको उत्पन्न होने वाली आर्थिक असुरक्षा को दूर किया जा सके इस व्याख्यान का उद्देश्य से है सेवानिवृत्ति की संकल्पना को जानना कब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त माना जाएगा और सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे क्या क्या लाभ मिलने हैं इस संदर्भ में हम सेवानिवृत्ति की संकल्पना को ध्यान में रखेंगे इसके पश्चात इस व्याख्यान का उद्देश्य है पेंशन की संकल्पना को समझना जैसा हम सभी मानते हैं कि सेवा निवृत्ति का जो लाभ है उस लाभ के लिए जो सबसे प्रचलित योजना है उस योजना को पेंशन के नाम से जाना जाता है और पेंशन के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभ का प्रदान किया जाता है और जिसके माध्यम से वह कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम होता है इस व्याख्यान में हम पेंशन योजनाओं के जो विभिन्न प्रकार रहे हुए हैं हाँ उन उनकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें क्या अंतर हैं या फिर वह उसमें क्या समानताएं हैं इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में भारतीय पेंशन प्रणाली के जो विभिन्न समूह हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग प्रकार के पेंशन प्रणाली का भारत में विकास हुआ है और अलग अलग समूहों के लिए विकसित प्रणालियों के लिए अलग अलग योजनाएं निर्मित की गई हैं इस संदर्भ में हम उस प्रणाली को जानने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे जिसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया है वर्तमान में यह राष्ट्रीय पेंशन योजना पेंशन प्रणाली जो है यही सर्वव्याप्त एक एक पेंशन प्रणाली है जिसे केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्यों ने भी अपने यहाँ अधिसूचित किया हुआ है लागू किया हुआ है इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो पेंशन की संकल्पना और पेंशन के प्रकार हैं उसमें किस प्रकार की प्रणाली पर यह आधारित है और अंत में इस व्याख्यान में हम असंगठित क्षेत्र के लिए जो स्वावलंबन की योजना शुरू की गई है उस स्वावलंबन की योजना को समझने का प्रयास करेंगे हम सभी जानते हैं कि परंपरागत रूप से भारत में पेंशन योजनाओं को मुख्य रूप से नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित माना जाता है यह माना जाता है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसी उसकी सेवा की समाप्ति के पश्चात अगर वह किसी सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए योग्य है और वह लाभ एक पेंशन के रूप में जाना जाता है तो ऐसा पेंशन हमेशा और हमेशा उसके नियोक्ता द्वारा समर्थित होता है लेकिन वर, उसके साथ जब इस संकल्पना का विकास होता है तो उसमें यह तत्व तो भी सम्मिलित होते हैं कि पेंशन का भुगतान जो होता है उसके लिए जो जो निधि संचित की जाएगी उसमें उस कर्मचारी का भी योगदान होना चाहिए यह पूरा का पूरा दायित्व केवल और केवल नियोक्ता पर अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए हम सभी जानते हैं कि जो पेंशन को परिभाषित करने का प्रयास है उसमें इसमें सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वित्त पोषण किया गया था सरकार द्वारा वित्त पोषण करके पेंशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात एक एक लाभ देने का प्रयास किया जाता रहा है और ढेर सारे नियोजन ऐसे हैं जो उस पेंशन लाभ के कारण ही लोग उसको अपने सूची में रखते हैं और उस नियोजन को पाने का प्रयास करते हैं इसके पश्चात हम सभी जानते हैं कि भारत में जो औद्योगिकरण की प्रथा स्टार्ट हुई शुरू हुई वह ब्रिटिश काल में शुरू हुई भारत में अधिकतर औद्योगिक विधियाँ ब्रिटिश जमाने में बनाई गई थी और, और ऐसे में जो नियोजन प्रारंभ हुआ वह भी ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हुआ था तो जो सेवा निवृत्ति के लाभ की संकल्पना या फिर पेंशन दिए जाने की प्रणाली का विकास होता है वह कहीं ना कहीं उसी ब्रिटिश प्रणाली का ही भाग होता है और और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जो प्रणाली है सेवानिवृत्ति की प्रणाली और सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ देने की प्रणाली या फिर पेंशन का जो योजना है वह ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है हम सभी जानते हैं कि जो सेवानिवृत्ति की योजनाएं हैं वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम मानी जाती हैं अगर सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी व्यक्ति को अगर अगर आर्थिक असुरक्षा के दौर से गुजरना पड़े और वह एक मानक जीवन स्तर के अनुसार अपना जीवन व्यापन ना कर पाए और उसे अन्य खर्चों को भारित करने के लिए कोई आर्थिक स्रोत ना हो तो ऐसे में ऐसे में उस व्यक्ति के समक्ष एक एक चुनौती आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो सेवानिवृत्ति से के पश्चात सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए विधियाँ बनाई गई हैं या फिर पेंशन की जो योजनाएँ बनाई गई हैं वह इस सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो ये विधियाँ बनाई गई हैं इन विधियों का उद्देश्य मूलतः सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना पर आधारित है आइए हम सबसे पहले सेवानिवृत्ति की संकल्पना को जानने का प्रयास करते हैं सेवानिवृत्ति किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चरण है जब व्यक्ति बढ़ती उम्र के कारण कार्यशील आबादी का सक्रिय सदस्य नहीं रह जाता है हम सभी जानते हैं वो किसी प्रकार का नियोजन हो और किसी प्रकार के नियोजन में वह कोई भी व्यक्ति हो एक अवस्था के बाद वह उस नियोजन में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रह जाता अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं भी रह जाता है तो जो योजनाएं हैं जो जो विधियां हैं उसके अधीन एक एक निश्चित आयु के पश्चात उन्हें उस सेवा से हटा दिया जाता है उनका सेवा समाप्त कर दिया जाता है और ऐसे में उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारी या फिर श्रमिक माना जाता है तो, तो यहाँ पर यह एक बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो नियोजन में है वो उसके लिए आएगा या तो यह निश्चित आय प्राप्त करने पर आएगा या फिर अगर कोई और प्रणाली विकसित की जाती है जिसके आधार पर कोई निश्चित कार्य पूरा करने के बाद सेवा की समाप्ति होनी है या फिर अन्य तरीके से सेवा की समाप्ति होनी है तो वहाँ पर वह भिन्न रूप से देखा जाएगा लेकिन सामान्यतः जो सेवा निवृत्ति की संकल्पना है वह अवस्था पर आधारित करती है वह उस कर्मचारी की आयु पर निर्भर करता है अगर विधि के माध्यम से यह उपबंध बनाया गया है कि किसी नियोजन में जो कर्मचारी सेवा की सेवानिवृत्ति की आयु होगी वह 60 वर्ष की होगी तो ऐसी स्थिति में जिस दिन उस कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष हो जाती है उसके पश्चात वह उस नियोजन से सेवानिवृत्त किया जाएगा कभी कभी यह भी देखने को आता है कि नियोजन की समाप्ति से पूर्व ही एक एक जो कर्मचारी है वह अपने नियोजन के दौरान किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम नहीं होता है ऐसे में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संकल्पना का उदय होता है और एक कर्मचारी को विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी एक 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 विकल्प प्रदान किया जाता है तो सामान्यतः तो जो जो नियम है उस नियम के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर एक एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त माना जाएगा और अगर अपवाद की परिस्थिति है तो उस आयु से पूर्व ही वह व्यक्ति स्वैच्छिक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति का आवेदन कर सकता है और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त किया जा सकता है अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त किया जाएगा तो सेवानिवृत्ति का जो तात्कालिक प्रभाव होता है वह प्रभाव यह होता है कि उस व्यक्ति के जो आय का स्रोत है वह बंद हो जाता है अर्थात उसे मिलने वाली जो मासिक मजदूरी है जो उसका वेतन है वह अब बंद हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का जो आय का स्रोत है वो एक-एक समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह यह देखे कि कैसे वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित कर पाएगा क्योंकि जो आय की आवश्यकता है जो जो आय की आवश्यकता है वह आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तो अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाए और अगर लाभ दिया जाता है तो वह एक लगातार दिया जाने वाला लाभ होगा एक मुस्त राशि के रूप में लाभ होगा यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम इस व्याख्यान में सेवानिवृत्ति की संकल्पना तत्पश्चात पेंशन की संकल्पना के तहत समझने का प्रयास करेंगे अगर हम देखें तो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी प्रत्येक व्यक्ति को सम्, सम्मानपूर्ण पूर्वक जीवन जीने और वित्तीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखता है सेवानिवृत्ति का अर्थ का यह नहीं हुआ कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उस व्यक्ति का जो जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का की जो आकांक्षा है या फिर वित्तीय स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वह बंद हो गई है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अपनी उस सम्मानपूर्ण जीवन शैली को बरकरार रखना चाहता है और साथ ही साथ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अगर उसे उसके नियोक्ता के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा कोई सेवा निवृत्ति लाभ या कोई पेंशन प्रदान करने की योजना है तो यह योजना उसके लिए एक लाभदायक योजना हो सकती है अब सा, सामान्यतः यह देखा जाता है कि सेवा निवृत्ति का जो लाभ होता है या जो पेंशन की जो योजना होती है उसके लिए आ, सेवा काल के दौरान ही नियोजन के साथ ही एक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है किसी के कामकाजी वर्षों के दौरान किसी कर्मचारी के कामकाजी वर्षों के दौरान जो बचत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से उसकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है या फिर सम्मानपूर्ण जीवन जीने की जो शैली है उसके लिए आवश्यक हो जाता है अगर कोई कर्मचारी अपने नियोजन के दौरान अपने सेवा काल के दौरान कोई बचत नहीं करता है बचत करने में सक्षम नहीं होता है और ऐसी स्थिति में जब वह सेवानिवृत्त होगा तो सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे सम्मानपूर्ण जीवन शैली को बरकरार रखने में और साथ ही साथ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की आकांक्षा को पूरा करने में बहुत ही कठिनाई होगी तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि, कि नियोक्ता के द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं का या फिर कुछ ऐसी लाभों का प्रावधान किया जाए जिसके माध्यम से सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को कुछ लाभ आर्थिक लाभ दिए जाए सेवानिवृत्ति की योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक योजना बनाया जाता है यह सेवानिवृत्ति की योजना निवृत्ति के पश्चात वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई एक योजना है यह योजना नियोक्ता और, और कर्मचारी के सहभागिता से बनाई जा सकती है राज्य के हस्तक्षेप से बनाई जा सकती है और अगर ऐसी किसी योजना के लिए कोई कर्मचारी प्रतिबद्ध है तो वह व्यक्तिक रूप से ऐसी कोई योजना बना सकता है किसी ऐसी योजना में शामिल हो सकता है अगर हम देखें तो सेवा निवृत्ति की जो योजना होती है उस योजना के तीन बुनियादी चरण हैं और, और इन तीन बुनियादी चरणों के आधार पर हम सेवा निवृत्ति की जो योजना है उसको उसको प्रभावकारी बना सकते हैं उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है इसमें सर्वप्रथम आएगा हम यह निर्धारित करें कि सेवा निवृत्ति के प्रत्येक वर्ष में कितनी वार्षिक आय की आवश्यकता होगी सेवा निवृत्ति के पश्चात जितने लंबे समय तक एक कर्मचारी जीवित रहता है उसे यह अनुमान लगाना चाहिए कि हर एक वर्ष के लिए उससे कितने खर्चों की आवश्यकता होगी क्योंकि इन्हीं खर्चों को ध्यान में रख करके उसे बचत प्रारंभ करना होता है और हम सभी जानते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात का वो काल वह एक ऐसा कालखंड होता है किसी व्यक्ति के जीवन में जहाँ पर वह स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं से गुजर सकता है उसके लिए जो सबसे बड़ा जो 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 खर्चा होगा वह स्वास्थ्य की सुरक्षा पर किया जाने वाला खर्च होगा तो ऐसे में उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन एक 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 अनुमान यह तो लगाया जा सकता है कि, कि, कि कितनी राशि की आवश्यकता होगी तो इस इस सेवानिवृत्ति के प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि की आवश्यकता होगी इसका एक अनुमान लगाने के बाद दूसरे चरण में हम यह निर्धारित करें कि सेवानिवृत्ति वर्षों के दौरान व्यय को निधि देने के लिए सेवानिवृत्ति सेवा बचत में कितना कोष जमा किया जाना चाहिए अर्थात अगर हमने खर्चों का अनुमान लगा लिया है तो उस खर्चों की भरपाई के लिए उसे पूरा किए जाने के लिए हमें कितना बचत करने की आवश्यकता है पहले हमने खर्चे का अनुमान लगाया अब दूसरे चरण में हम बचत का अनुमान लगा रहे हैं या बचत कर रहे हैं उस उस खर्चे के अनुमान के अनुसार से और तीसरे चरण में फिर हम यह निर्धारित करें कि आवश्यक राशि जमा करने के लिए शेष प्रत्येक कार्यवर्ष में सेवानिवृत्ति बचत में कितना योगदान दिया जाना चाहिए जो वह कोष बनाया गया है जो वह निधि बनाई गई है उसमें हमें हर साल अपने बचे हुए आ, आ, जो जो नियोजन का काल है उसमें कितना भुगतान करना होगा और इस तरह से एक सुनियोजित ढंग से योजना बना करके सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सकता है और अपने जीवन यापन की शैली को बरकरार रखा जा सकता है Osionfish. अब इसके पश्चात हम देखते हैं पेंशन की क्या संकल्पना है पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नियमित आय है अगर किसी योजना के तहत किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात उस कर्मचारी को एक नियमित आय हो रही है उसे एक नियमित भुगतान मिल रहा है तो उस भुगतान को पेंशन का नाम दिया जाता है अब अब यहाँ पर सेवानिवृत्ति के पा जो जो के पश्चात जो लाभ दिया जाता है वो पेंशन के भी रूप में हो सकता है वो अन्यथा भी हो सकता है अगर वह पेंशन के रूप में है तो इसका सामान्य सा तात्पर्य यह हुआ कि उस कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात भी नियमित रूप से एक भुगतान किया जाएगा या फिर दूसरी तरफ उसे एक ऐसा लाभ दिया जा सकता है जो एक, एक मुस्त लाभ होगा और उससे पेंशन ना कह के उसे सेवानिवृत्ति का लाभ कहा जाएगा और उस लाभ के दौरान उस लाभ के तहत उस कर्मचारी को एक मुस्त राशि प्रदान कर दी जाएगी उसे बाद उसके बाद उसे कोई नियमित राशि प्रदान नहीं की जाएगी जो पेंशन की अपेक्षित राशि जीवन यापन के अनुमानित लागत के साथ साथ उस जीवन शैली पर निर्भर करती है जिसे किसी व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान बनाए रखना है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात आपकी जीवन शैली क्या होगी और आपको उस जीवन शैली को बरकरार रखने में कितने खर्चों की आवश्यकता होगी उन खर्चों के हिसाब से आपको पेंशन योजनाओं को चुनना पड़ेगा आज के दौर में हम देखते हैं कि ढेर सारे ऐसे प्राइवेट योजनाएं आ गई हैं पेंशन योजनाएं आ गई हैं जिसमें आप शुरू में बचत करके उसमें आप उसके कोष में एक एक राशि जमा करते हैं अनिश्चित राशि जमा करते हैं और उस स्कीम के तहत उस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात आपको कितनी राशि मंथली बेसिस पर या फिर अन्य अन्य अन, अवधियों के उपरांत मिलेगी उसका निर्धारण किया जाता है तो सामान्य तात्पर्य यह हुआ कि पेंशन की योजना के तहत एक नियमित भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसी के संदर्भ में वहाँ पर बचत की जाती है उसी के संदर्भ में आ, आ, धन को किसी कोष में लगाया जाता है इसके पश्चात जो पेंशन की अर्जित राशि है जो कामकाजी वर्षों के दौरान बचत का परिणाम है आप अपने नियोजन के दौरान जो आपके कार्यकाजी वर्ष थे अगर आपने 20 साल या 25 साल काम किया तो उस दौरान आपने कितनी बचत की उसी के आधार पर आपके पेंशन का निर्धारण होता है और साथ ही साथ पेंशन की वांछित राशि के लिए पर्याप्त कोष बनाने में लगने वाले वर्षों की संख्या भी महत्वपूर्ण है कितने लंबे समय से बचत किया जा रहा है यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है यह जानने के लिए कि पेंशन योजना के तहत कितना पेंशन मिलेगा पेंशन योजनाओं का प्रकार संकल्पनात्मक रूप से पेंशन योजनाओं के जो प्रकार है इसे इसे समझने की आवश्यकता है और इसके आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि मिलने वाला लाभ को पेंशन कहा जाएगा या कोई और नाम उसे दिया जाएगा अगर हम पेंशन योजनाओं के प्रकार को देखें तो इसमें पहला है जिसे कहते हैं परिभाषित लाभ परिभाषित लाभ एक ऐसा लाभ है जो पेंशन योजना है जिसमें सेवानिवृत्ति पर एक निर्दिष्ट मासिक लाभ उपलब्ध होता है परिभाषित लाभ का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि उस पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उस कर्मचारी को एक निश्चित राशि का भुगतान नियमित अंतराल पर मासिक बेसिस पर यह अन्यथा किया जाएगा इसे हम कहते हैं परिभाषित लाभ पेंशन योजना इस योजना में यह कर्मचारी की कमाई के इतिहास उसके सेवा के कार्यकाल और उम्र के आधार पर एक फार्मूले के द्वारा निर्धारित किया जाता है अर्थात नियोजन में आने के पश्चात उस कर्मचारी ने उस नियोजन में कितना कार्य किया या फिर उसके सेवानिवृत्ति के समय पर उसका जो जो मासिक आय था वो कितना था इन इन सारे आ, कारकों के आधार पर उसके पेंशन की राशि को निर्धारित किया जाएगा और नियमित अंतराल पर मासिक रूप से उसे उस पेंशन का भुगतान किया जाएगा इसे हम जैसा कि हमने कहा परिभाषित लाभ पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है दूसरी तरफ इससे भिन्न भी, भी एक योजना हो सकती है जिसे पारिभाषित अंशदान योजना के नाम से जाना जाता है इसमें क्या होता है पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें पेंशन राशि कुल सेवानिवृत्ति कोष पर निर्भर होती है जो बदले में व्यक्तिगत योगदान की राशि से निर्धारित की जाती है अर्थात ऐसी पेंशन योजना में उस कोष का क्या प्रसार है उस कोस में कितना पैसा है और कितना पेंशन मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितना अंशदान किया गया था अगर एक कर्मचारी के द्वारा अंशदान बहुत नाम मात्र का है तो उसे जो पेंशन मिलेगा वह बहुत नाम मात्र का होगा अगर एक कर्मचारी के द्वारा अंशदान बहुत ज़्यादा किया गया है तो उस कर्मचारी को जो पेंशन मिलेगा वह थोड़ा अधिक होगा अर्थात इस पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना में जो जो पेंशन की राशि होगी इसका निर्धारण केवल और केवल इस आधार पर किया जाएगा कि कर्मचारी ने क्या अंशदान किया है इस योजना में व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए योगदान देता है और व्यक्तिगत योगदान के अलावा समानांतर योगदान नियोक्ता भी दे सकता है और इन दोनों योगदान की राशियों के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है योगदान की राशि पूर्व निर्धारित होती है ऐसे ऐसे योगदानों में जो पूर्व निर्धारित जैसे अगर हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की योजना को देखें तो जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की योजना है उसमें कर्मचारी का एक अंशदान होता है जो उसके मासिक वेतन का 10 प्रतिशत होता है यह पूर्व निर्धारित है उसमें वह 10 प्रतिशत अंशदान हर महीने के आधार पर उसमें अंशदान करता है इसके विरुद्ध उसका जो नियुक्ता होता है वह भी उस कोष में अपने उस कर्मचारी के लिए अंशदान का योगदान देता है और अंत में यह अंशदान संचित होकर के सेवानिवृत्ति के समय एक बड़ी राशि बन जाती है और वह राशि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उस कर्मचारी को प्रदान किया जाता है अगर हम भारत में पेंशन प्रणाली के को समझने का प्रयास करें तो भारत में जो पेंशन प्रणाली है इसके तीन समूह हैं और इन तीन समूहों के अध्ययन के आधार पर हम पेंशन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे भारत में जो तीन अलग अलग व्यापक समूह हैं पेंशन के उसमें पहला समूह जो है जिसको समूह वन का नाम दिया जाता है यह वह समूह है यह मानवीकृत बुनियादी व्याप्ति के माध्यम से देश के नागरिकों को सहायता प्रदान करता है यह सरकार द्वारा मुख्य रूप से बी विधवाओं और विकलांगों जैसे निराश्रितों के बीच बुढ़ापे में गरीबी का जीवन जीने वालों को ध्यान में रख के बनाया जाता है यहाँ पर जो योजना के तहत जो भुगतान किया जाता है उस भुगतान के लिए पूर्व में ऐसे व्यक्तियों का नियोजन में होना आवश्यक नहीं है जैसे अगर हम कहें वृद्धा पेंशन की अगर हम वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें तो यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि वह वृद्ध व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए हकदार है वह पूर्व में किसी नियोजन में था ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास तीन उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम समूह एक के इस पेंशन प्रणाली को समझ सकते हैं इसमें आपको मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इस योजना के तहत साठ वर्ष से अधिक आयु के बी आबादी को एक एक राशि वृद्धावन वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण भी है जिसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के नाम से जानते हैं और इस योजना के तहत बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले विधवाओं को पेंशन प्रदान किया जाता है तत्पश्चात तो यहाँ पर जो अगला उदाहरण है वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना इस योजना के तहत गंभीर या एकाधिक विकलांग, विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्तियों को पेंशन प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर यह देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों ने कोई अंशदान नहीं दिया था लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए जैसे भारत जब एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है भारतीय संविधान जब एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तो ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसे वृद्ध वृद्ध व्यक्ति या फिर विधवा महिलाओं या फिर विकलांगों के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि इनके लिए भी कोई आर्थिक सुरक्षा का एक एक योजना बनाया जाए और उन्हें पेंशन का भुगतान किया जाए अगर हम दूसरे समूह की बात करें तो यह एक अनिवार्य व्यवसाय पेंशन प्रणाली है दूसरा समूह केवल उसी स्थिति में लागू होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति नियोजन में रहा हुआ है अगर एक व्यक्ति नियोजन में नहीं रहा हुआ है तो वह इस इस समूह दो के तहत किसी भी योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा यह अनिवार्य व्यवसाय पेंशन प्रणाली है जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता पेंशन में योगदान करते हैं अंशदान देते हैं और यह एक परिभाषित अंशदान सह परिभाषित लाभ योजना के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाता है। तो तो नियोजन के संदर्भ में उस नियोजित व्यक्ति के जो मजदूरी से अंशदान की कटौती होती है और उसके पश्चात नियोक्ता के द्वारा जो अंशदान दिया जाता है इन दोनों अंशदानों के संचयन के आधार पर इसके पश्चात कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है तो यहाँ पर इस समूह दो में जो आवश्यकता है वह आवश्यकता कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध का होना है अगर कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है किसी व्यक्ति को नियोजन में नहीं रखा गया है नियोजन की कोई संविधा वहाँ पर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को इस आ, आ, योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं जिसका संगठन निम्नलिखित दो वृद्धावस्था आय योजनाओं का संचालन करता है जो संगठित क्षेत्र के उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जिसका मा, मासिक वेतन साढ़े छः हजार रुपये से कम है इसमें कर्मचारी भविष्य निधि ई और कर्मचारी पेंशन योजना ई दोनों आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी भविष्य निधि योजना एक व्यक्तिगत खाता परिभाषित योगदान योजना है जिसमें कर्मचारी और नियुक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन के बारह प्रतिशत के बराबर उसमें योगदान करते हैं या कहीं कहीं दस परसेंट भी होता है योगदान करते हैं और जिसे सेवानिवृत्ति के समय निकाला जा सकता है यहाँ पर आवश्यकता यह है कि यह जो आ, भविष्य निधि बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि बनाई गई है यह भविष्य कर्म कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी और नियोक्ता के द्वारा दिए गए अंशदान से बनी हुई है और सामान्य सा नियम यह है कि ऐसा कोई भी जो जो संचयन हो रहा है ऐसी कोई भी जो निधि है उसका किसी कर्मचारी के द्वारा अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात ही उसको निकाला जा सकता है लेकिन इसके साथ ही कुछ नियमों में प्रावधान किए गए हैं कुछ संशोधन किए गए हैं और योजना के तहत संचय संचित की गई राशि समय के पूर्व भी निकाली जा सकती है अगर किसी कर्मचारी को ऐसी आवश्यकता है उसको कुछ आर्थिक आवश्यकता है उस आर्थिक आवश्यकता के निर्वहन के लिए वह उसमें से पैसा निकालना चाहता है तो वह निकाल सकता है इसके पश्चात जो कर्मचारी पेंशन योजना है इस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ है जो कर्मचारियों के योगदान पर आधारित होता है जिसमें सरकार अतिरिक्त योगदान देती है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना कहते हैं कर्मचारी पेंशन योजना उन्नीस में शुरू किया गया था और यह उन श्रमिकों पर लागू होता है जिन्होंने उन्नीस के बाद रोजगार में प्रवेश किया और, और इस योजना के तहत जो पेंशन का भुगतान किया जाता है वहाँ भी पेंशन का भुगतान किए जाने के लिए कर्मचारी और, और राज्य के अंशदान की आवश्यकता पड़ती है ऐसी योजना के तहत किसी सदस्य की मृत्यु के समय में यह योजना उसके जो पति या पत्नी जो जीवित हैं उनको उनके शेष जीवन के लिए पेंशन प्रदान करते अगर एक जो कर्मचारी है जो नियोजन में है जो कार्य कर रहा है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसे उसे जो पेंशन मिलना है वो उसके जीवित जो पति या पत्नी होंगे उनको मिलेगा उनके जीवन तक के लिए इसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समूह तीन का भी पेंशन योजना है और यह है एक स्वैच्छिक योजना है और इस स्वैच्छिक योजना में निजी वित्त पोषित प्रणाली है जिसके व्यक्तिगत बचत के, के आ, जिसमें व्यक्तिगत बचत के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाता है और इस योजना में बीमा की योजना शामिल है यह स्वैच्छिक है अगर हम देखें आ, आ, तो विशुद्ध रूप से एक स्वैच्छिक योजना है और इस योजना को बहुत ही प्रतिबंधात्मक तरीके से लागू किया गया है यहाँ पर आवश्यकता यह है कि, कि कोई भी कर्मचारी जो ऐसी स्वैच्छिक योजनाएं कंपनी के द्वारा किसी बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तावित की जा रही हैं उनसे वह शैक्षिक योजनाओं को वो ले सकता है पीपीएफ, सेवानिवृत्ति योजनाएं और व्यक्तिगत पेंशन योजनाएं बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं और जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पेश की जाने वाली व्यक्तिगत पेंशन योजनाओं और समूह पेंशन उत्पादों की निगरानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाती है जब इस स्वैच्छिक योजना में हम जाते हैं तो स्वैच्छिक योजना में जब एक व्यक्ति के जीवन की बीमा की जाती है तो वह किन शर्तों के अधीन किन नियमों के अधीन की जाएगी उसका जो विनियमन होता है वह भारत में बीमा नियामक और, और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है उसके शर्तों के अधीन ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी भविष्य के लिए निधि संचित की जा सकती है ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली जो योजनाएं हैं उसका जो विनिमन किया जाता है भारत में वह भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है उसके पर्यवेक्षण में ऐसे म्यूचुअल फंड की जो योजनाएँ हैं वो काम करती हैं तो स्वैच्छिक आधार पर या तो बीमा के माध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से भविष्य में उपयोग हेतु तो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु तो धन का संचय किया जा सकता है अगर हम इन तीन समूहों को संक्षिप्त में देखें तो प्रथम समूह में नियोजन की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर किसी अंशदान की भी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर जो पेंशन योजना के तहत जो राशि प्रदान की जा रही है जिस राशि का भुगतान किया जा रहा है वह राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते प्रदान किया जा रहा है जब हम समूह दो में आते हैं तो समूह दो में हम देखते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान की आवश्यकता होती है यहाँ पर इस योजना के तहत जो भी भुगतान किया जाता है उस भुगतान के लिए उस कोष के निर्माण करने की आवश्यकता होती है जो कि कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान पर आधारित है ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह आवश्यक है कि समूह दो की योजनाएं उन परिस्थितियों में लागू होती हैं जहाँ पर कर्मचारी और, और नियोक्ता का संबंध स्थापित होता है और जब आप समूह तीन में आते हैं तो समूह तीन की जो योजनाएं हैं वह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक योजनाएं हैं और उस स्वैच्छिक योजनाओं के लिए आप स्वतंत्र हैं आप उसको ले भी सकते हैं उस योजनाओं के लाभ से लाभ उठा सकते हैं उस योजनाओं से लाभ नहीं उठा सकते हैं इसमें कोई बाध्यता नहीं है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हम सभी जानते हैं कि भारत में 2004 1 जनवरी 2004 से एक नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया है और, और वर्तमान में केंद्र सरकार के अधीन नियोजित कर्मचारियों और साथ ही साथ राज्य सरकार जिन्होंने इसे अधिसूचित किया है उनके द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संदर्भ में आज राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होती अब सामान्य सा प्रश्न यह उठता है कि हम यह जानें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जो पेंशन योजना है जिसके तहत किसी कर्मचारी को लाभ मिलता है किसी कर्मचारी को योजना का कोई कोई लाभ मिलता है उसके पीछे क्या संकल्पना है और कैसे यह लाभ प्राप्त किया जाता है राष्ट्रीय पेंशन योजना परिभाषित योगदान पर आधारित एक नई पेंशन प्रणाली है तो सबसे पहले हम ये सामने कि यहाँ पर परिभाषित योगदान या अंशदान की प्रणाली है यहाँ पर जो भी लाभ दिया जाएगा वह लाभ नियोक्ता और साथ ही साथ जो कर्मचारी है उसके अंशदान पर निर्भर करता है अर्थात यह योजना पूरी की पूरी तरह से नियोक्ता या फिर राज्य पर कोई आर्थिक दबाव नहीं डालता है इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जो नियोजित व्यक्ति हैं उनको अपने अंशदान का भुगतान करना होता है वृद्धावस्था आय सुरक्षा की समस्या के दीर्घकालीन जो जो व्यवहारिक मॉडल है और अस्थायी समाधान के लिए पेंशन सुधारों की दिशा में एक नया कदम भारत में आया 2004 में जब इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को स्वीकार किया गया एक जनवरी 2004 से केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को छोड़कर के हर नई भर्तियों में इसे अनिवार्य कर दिया है इसके साथ ही साथ राज्य सरकारें केंद्र शासित प्रदेशों में, मे, मे, में सरकारें अपने नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया है नई पेंशन प्रणाली को वहां पर राष्ट्रीय प्रणाली को लागू किया गया है परिभाषित लाभ से परिभाषित योगदान व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक चल रहा है जहाँ पर परिभाषित लाभ मिलना था अब वहाँ से परिभाषित योगदान की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं पूर्व में भारत में यह पेंशन का यह नियम था कि आपको एक परिभाषित लाभ मिलेगा उसके लिए आपके अंशदान की आवश्यकता नहीं है लेकिन आज नई प्रणाली के आने के बाद जो आपको लाभ मिलना है वह पूरी की पूरी तरह आपके अंशदान पर आधारित है अंशदान जितना ज़्यादा होगा सेवानिवृत्ति के बाद आपको लाभ उतना ज़्यादा मिलेगा अंशदान जितना कम होगा सेवानिवृत्ति के पश्चात आपको लाभ उतना कम मिलेगा और हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आने के पश्चात वर्तमान समय में जो अंशदान की राशि है वह नियोक्ता के संदर्भ में वह किसी कर्मचारी के मासिक वेतन के चौदह परसेंट के बराबर है और किसी कर्मचारी के संदर्भ में उसके मासिक वेतन के दस परसेंट के बराबर यहाँ मासिक वेतन में उसके मूल दर के साथ साथ महंगाई भत्ते को सम्मिलित किया गया है यह राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकार की देनदारी को अग्रिम रूप से परिभाषित करने ग्राहकों को विकल्प देने बाल श्रम की पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने और पेंशन उद्योग में पारदर्शिता और इक्विटी सुनिश्चित करने के सिद्धांतों पर आधारित है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की विशेषताएं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कुछ विशेषताओं को यहां पर इंगित किया जा रहा है उसमें पहली विशेषता यह है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित योगदान पर आधारित संकल्पना है अर्थात इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ पाने के लिए योगदान किया जाना आवश्यक है और जो सब्सक्राइबर है वह सब्सक्राइबर पीओपी या एग्रीगेटर के माध्यम से एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु तो एक खाता खोल सकता है जिसे एनपीएस खाता कहते हैं इस एन में दो योजनाएं हैं इसमें एक को कहा गया है टीयर वन योजना और टीयर वन योजना में जो अंशदान दिए जाएंगे वह अंशदान कुछ अपवादों को छोड़ के केवल और केवल सेवानिवृत्ति के पश्चात ही उसे निकाला जा सकता है वर्तमान में सरकार ने इसमें उच्च शिक्षा पर खर्च के लिए विवाह पर खर्चों के लिए या फिर बीमारी पर खर्चों के लिए इसे आ, आ, निकालने के आंशिक रूप से निकालने की अनुमति देता है लेकिन यहाँ संकल्पना यह है कि टायर वन में जो भी अंशदान किया जा रहा है टायर वन के अंशदान का लाभ या उसका भुगतान हमेशा और हमेशा कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात ही होगा यह एक गैर निकारसी खाता है और रोजगार और और या स्थान बदलने की स्थिति में संचयन का निर् निर्बाध हस्तांतरण कर दिया जाता है अगर एक व्यक्ति का आ, रोजगार एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक नियोक्ता से दूसरी नियोक्ता में बदल जाता है तो ऐसे में इस खाते का वहाँ पर हस्तांतरण किया जाता है यह निवेश विकल्पों और फंड प्रबंधकों की एक श्रृंखला भी पेश करती है इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो अंशदान दिया जाएगा वह अंशदान कहाँ निवेश किया जाएगा उसके लिए कुछ चुनिंदा विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्पों को चुन करके एक कर्मचारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके उस अंशदान पर कितना उसको लाभ मिलने वाला है और मासिक योगदान कर्मचारी के वेतन मासिक वेतन का जो मूल दर है मूल दर और डीए के दस प्रतिशत के बराबर होता है और साथ ही साथ जो सरकार का इसमें योगदान योगदान होता है वह 14 है वह इसी तरह का योगदान, पैटर्न केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी निर्धारित है अगर हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अन्य विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह एनपीएस के तहत केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग के एजेंसी के रूप में काम करेगा जो एन है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि एन के तरह के तहत केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग का काम करेगा और जितने और भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं और उनका जो जो अंशदान है उसका पूरा आ, का पूरा ब्यौरा इस इस संस्था के पास मिल जाता है इसके साथ ही साथ एन के सभी ग्राहकों के लिए रिकॉर्ड कीपिंग प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को केंद्रीकृत किया जाएगा और यह सी द्वारा निष्पातित किया जाएगा एक और यहाँ पर संस्था स्थापित की गई है जिसे सी नाम दिया गया है और और इस सी के माध्यम से इस इसका रिकॉर्ड कीपिंग का काम किया जाएगा इसका प्रशासन किया जाएगा और ग्राहक सेवा का के कार्य का केंद्रीकृत केंद्री के रूप में निष्पादन किया जाएगा इसके पश्चात ग्राहकों की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंध करने के लिए पी एफ आर डी द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं ये पेंशन फंड मैनेजर आपको यह सलाह देंगे कि आपको न निवेशकों को चुनना है जिसके माध्यम से आपको ज्यादा लाभ होने की संभावना हो सकती है इसके बाद पी को पी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निवेश करने का काम करना है जो पी है ये पी हमेशा और हमेशा पी एफ एम पी के द्वारा जारी किए निर्देशों के अधीन रह करके ही कार्य करता है यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो यह नई राष्ट्रीय पेंशन योजना है इस योजना के तहत जो जो रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य या फिर उसके प्रशासन का कार्य किया जा रहा है वह इन दो संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है और आज तकनीक के क्षेत्र में तकनीक की दुनिया में ऑनलाइन के माध्यम से इन सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटली रखा गया है कोई भी सब्सक्राइबर्स जो उसके अपने क्रेडेंशियल्स हैं उसकी सहायता से अपने सारे रिकॉर्ड्स को वहाँ पर दे सकता है उसने कितना अंशदान किया उस अंशदान के विरुद्ध उसके नियोक्ता के द्वारा क्या अंशदान किया गया है और किसी कर्मचारी और नियोक्ता का जो अंशदान है वो मंथली बेसिस पर उसके एन अकाउंट में जमा किया जाएगा उसके पश्चात उसको उसके चुनिंदा शेयर मार्केट में निवेश किया जाएगा और उस पर कितनी ग्रोथ हो रही है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा उसे उस खाते में मिल जाएगा इसके पश्चात हम देखें तो सामान्य से जो यहाँ पर एक 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 धारणा है धारणा यह है कि पेंशन योजनाओं को लेकर के या फिर सेवानिवृत्ति को लेकर के जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ सामान्यतः केवल और केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिल पाता है अगर हम उन पेंशन स्कीमों को यहाँ पर आ, ध्यान में न रखें जो कि अशक्तता के आधार पर विध्वावस्था के आधार पर या विधवा महिलाओं को दिया जाता है अगर हम कर्मचारी और और नियुक्ता के संबंध के संदर्भ में हम पेंशन योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि अधिकतम पेंशन योजनाओं का लाभ केवल और केवल उन कर्मचारियों को मिल पाता है जो संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं ऐसे किसी कर्मचारी को ऐसे जो जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसे वहाँ पर सेवानिवृत्ति का या पेंशन का कोई लाभ नहीं मिल पाता था इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2010 में सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जाता है और एक स्वावलंबन योजना लाई जाती है इसके अतिरिक्त भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आ, जो स्वैच्छिक विकल्प हैं जो समूह तीन के विकल्प हैं वो खुले हुए हैं उसके माध्यम से वो आ, 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 अपने लिए कोई सेवानिवृत्ति लाभ या पेंशन योजना सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आ, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो योजनाएं सरकार के द्वारा समय समय पर बनाई गई हैं उन योजनाओं के तहत उन्हें सेवानिवृत्ति जैसा कोई लाभ मिल सकता है लेकिन अगर हम असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए भारत सरकार ने 2010 में एक स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और, और यह स्वावलंबन की योजना वृद्धावस्था की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थात जो असंगठित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसका कोई नियमित आय नहीं होता है और और जिसका कोई नियमित भुगतान नहीं होता है ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था जब तक वह स्वस्थ है तब तक वह काम करेगा काम करेगा उसके काम का उसको कीमत दिया जाएगा और उस कीमत के आधार पर वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा लेकिन जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंचेगा, जहां पर अब वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए क्या ऐसे व्यक्ति को की कोई आर्थिक जो जो स्वतंत्रता है या फिर जीवन शैली जीने की जो उसकी आकांक्षा है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा इस संदर्भ में 2010 का जो ये विकास हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको स्वावलंबन योजना का नाम दिया गया है इस स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्वावलंबन की योजना है ये असंगठित क्षेत्र में लागू होती है ये संगठित क्षेत्र में लागू नहीं होती है यह योजना केवल और केवल असंगठित क्षेत्र के उन उन कर्मचारियों के लिए है उन उन मजदूरों के लिए है उन श्रमिकों के लिए है जो किसी नियोजन में कार्य नहीं कर रहे हैं इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से संबंधित भारत का कोई भी नागरिक निम्नलिखित शर्तों के अधीन एन खाता खोल सकता है अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के इस व्यक्ति को जो लाभ दिया जा रहा है वह लाभ भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसके आलोक में ही है यहाँ पर ऐसे किसी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को स्वतः ही एन का खाता खुलवाने के लिए आ, उसे उसे प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ यहाँ पर आवश्यकताएं हैं अगर हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखें तो आवश्यकता यह है कि ऐसे किसी असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी ऐसे किसी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक या फिर असंगठित क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति जो इस स्वावलंबन की योजना का लाभ उठाना चाहता है उस लाभ के तहत वही व्यक्ति योग्य होंगे जो कि 18 साल से 60 साल के बीच में है अट्ठारह वर्ष से काम का व्यक्ति अट्ठारह वर्ष से कम का व्यक्ति और साठ वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति इस स्वावलंबन की योजना का लाभ नहीं उठा सकता अब अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्वावलंबन की इस योजना का जो जो लाभ है वह केवल 60 वर्ष तक के आयु तक रखा गया है तो 60 वर्ष के पश्चात उसे क्या लाभ प्राप्त होगा तो यह अपने आप में एक सीमित प्रावधान है जहाँ पर किसी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को केवल 60 साल की उम्र तक ही लाभ दिया जा रहा है उसके पश्चात उसे इस स्वावलंबन की योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर अभिदाता को किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए अर्थात असंगठित क्षेत्र का वह व्यक्ति जो किसी और पेंशन योजनाओं में कहीं पर सूचीबद्ध नहीं है उसे और कोई लाभ नहीं मिल रहा है केवल ऐसे ही असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को स्वावलंबन की योजना का लाभ मिल पाएगा अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरी पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई बेनिफिट पा रहा है कोई लाभ पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्वावलंबन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और और यहाँ पर जो लाभ की राशि है उसे जान लीजिए उसे जानने की आवश्यकता है भारत सरकार उन सभी पात्र एनपीएस स्वावलंबन खातों में प्रतिवर्ष एक हज़ार रुपये का योगदान देगी अर्थात आपको एनपीएस का एक खाता खोलना है उस खाते में आप जब अगर उसके लिए योग्य पाए जाते हैं तो तो खाता खोलने के पश्चात भारत सरकार की तरफ से आपके उस खाते में हर हर हर, हर साल प्रतिवर्ष एक हज़ार रुपये का अंशदान दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वह एक साल में एक रुपये सौ एक हज़ार रुपये से लेकर के बारह हज़ार रुपये प्रतिवर्ष का उसमें अंशदान कर सकता है कम से कम एक हज़ार रुपया और अधिकतम बारह हज़ार रुपये का उसमें अंशदान कर सकता है और इन दोनों अंशदानों को मिला करके इसे पुनः राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत निवेश का स्कीम है निवेश की योजना है उसमें निवेशित किया जाएगा और, और उस पर जो ग्रोथ मिलता है उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और और 60 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर आ, यह राशि पुनः उस कर्मचारी को उस व्यक्ति को जिसने इस स्वावलम्बन योजना के तहत एनपीएस का खाता खोला हुआ है उसे उसको इसका लाभ प्रदान कराया जाएगा इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो सेवानिवृत्ति का लाभ है या जो पेंशन की योजना है उसके विकास के विभिन्न चरण रहे हुए हैं और वर्तमान में जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसके तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है और, और यह राष्ट्रीय पेंशन योजना पारिभाषित योगदान या अंशदान के आधार पर है तो आज हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के आने के पश्चात एक जनवरी 2004 के नियोजन के पश्चात हर किसी व्यक्ति को केवल और केवल एक ऐसा पेंशन सेवानिवृत्ति के लाभ के रूप में मिलता है जो कि उसके योगदान पर आधारित है पूर्व में ऐसे योगदान की आवश्यकता नहीं थी ऐसे योगदान के बिना भी कर्मचारियों को पेंशन मिला करता था दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तो भारत में राष्ट्रीय पेंशन योजना के आने के पश्चात जो संकल्पना थी पेंशन देने की जो संकल्पना संकल्पना थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आया है पूर्व में पूरा का पूरा राज्य पर भार था लेकिन अब यह भार बट गया है यह राज्य पर भी है और कर्मचारियों पर है इस तरह हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने सेवानिवृत्ति की संकल्पना को समझा तत्पश्चात हमने पेंशन की संकल्पना को जानने का प्रयास किया और पेंशन योजनाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको जाना और उस प्रकार के अधीन कौन लाभान्वित हो सकता है उसको जानने का हमने प्रयास किया इस व्याख्यान में हमने भारतीय पेंशन प्रणाली के विभिन्न समूहों को जानने का प्रयास किया और, और अंत में हमने राष्ट्रीय जो पेंशन योजना है उसके जो विशेषताएं हैं उसका हमने अध्ययन किया और इसके पश्चात हमने यह जानने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना किस तरह से भारत में पेंशन की संकल्पना या फिर सेवानिवृत्ति की संकल्पना है उसको पूरी तरह से बदल देती है धन्यवाद